जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं अजीत फौजी सुंगरपुरिया ओम स्पोर्ट्स एकेडमी तोसाम से आज आपको ज़रूरी रैली के बारे में बताऊंगा। जो हरियाणा के छात्र हैं जिन्होंने प्लस टू साइंस साइड से की हुई है, उन लड़कों के लिए भारतीय वायुसेना ने एक भर्ती निकाली है, ओपन रैली। ये भर्ती अम्बाड़ा में होगी और ये हमारा ओम स्पोर्ट्स एकेडमी का व्हाट्सएप पर ग्रुप है, जिसके अंदर सभी भर्ती देखने वाले छात्र आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी जुड़े हुए हमारे साथ, और हम इन सभी को सूचना प्रोवाइड करवाते हैं हर भर्ती के बारे में, उनका प्रोसीजर बताते हैं। तो ये भर्ती है भारतीय वायुसेना की। ये नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है अभी, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की रैली, जो कि अम्बाड़ा में, जो वन एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अम्बाड़ा कंटोनमेंट में है, वहाँ पर होगी ये भर्ती। और किन किन ज़िलों के लिए होगी ये भर्ती? अम्बाड़ा, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, सिरसा, यमुनानगर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट हरियाणा, ये ज़िले हैं। और रोज़ 125 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसको आपको रजिस्ट्रेशन का एक दिन का टाइमिंग दिया जाएगा, जो कि 27 सितंबर से 11 बजे से शुरू होकर 28 सितंबर 5 बजे तक शाम को आपको www.airmanselection.cdec.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस एक दिन के पीरियड में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। और ये ग्रुप एक्स की भर्ती है, टेक्निकल ट्रेड की भर्ती है ये, एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड को छोड़ करके। ये भर्ती कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए इसलिए की गई है ताकि कम से कम स्टूडेंटों को एक दिन बुला करके न इनके लिए डे रिजर्व किए गए हैं। जैसे ये भर्ती 9 अक्टूबर 2020 को शुरू होगी और 13 अक्टूबर तक कंटिन्यू चलेगी। इस दौरान अगर कोई बच्चा बचेगा तो उसको लिए 14 अक्टूबर को रिजर्व डे रखा गया है। और इन दिनों में इन बच्चों का फिजिकल, रिटन, ये दोनों टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद 15 से 19 अक्टूबर तक ये रैली चलेगी, फिर 20 अक्टूबर रिजर्व डे रखा गया, इनमें से कोई बच जाता है तो उसके लिए। ये आपको एक्टिविटीज़ बता दी पूरी। उसके बाद कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कौन कौन, 17 जनवरी 2020 से लेकर के और 30 दिसंबर 2003 के बीच के बंदे हैं वो इस भर्ती को देख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें एक्स ग्रुप के लिए है ये भर्ती। इसमें प्लस टू पास तो होना ही चाहिए साइंस साइड से, जिसमें मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश में मिनिमम 50 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ये कंपलसरी है। इंग्लिश के अंदर 50 मार्क होने चाहिए। अगर किसी ने प्लस टू PCM से नहीं की हुई तो उन्होंने BA में कोई भी और डिग्री की, डिप्लोमा किया हुआ, कोई 3 साल का इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, किसी भी साइड से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी साइड से कोई डिप्लोमा किया हुआ पर 50% अंक के साथ, तो वो भी ये भर्ती देख सकता है, उसके लिए भी ये भर्ती अप्लीकेबल है। उसके बाद प्रोसेस इसका कैसे रहेगा? सबसे पहले आपको जो ऊपर बताई गई साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना है 27 से 28 तारीख एक दिन को। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे और दी हुई डेट को आपको फिजिकल के लिए आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगी, फिजिकल की डेट आपको जाना होगा। और ये आदमी इस फार्म को भर सकते हैं, वो बता दिया गया आपको। और ये स्पेशली हरियाणा की है, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो डोमिसाइल हरियाणा का होना चाहिए। और इसमें ज़िला मेंशन करना पड़ेगा आप कौन से ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं हरियाणा के अंदर, और मेडिकल स्टैंडर्ड बता रखा है इसके अंदर क्या क्या चाहिए आपको, कितनी हाइट, वेट, चेस्ट, कलर और क्या क्या चाहिए, सब डेंटल कितने होने चाहिए, कोई बॉडी के ऊपर कुछ भी वो नहीं हो। और एक स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कोई भी
जो ये अपने नशा पता करते हैं बॉडी में टैटू, उसके बाद सिख कैंडिडेट के लिए, और ये जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं कोई भी मेडिकल साइड से कोई ड्रग्स लेते हैं तो उनके लिए स्पेशली बताया गया ये नहीं लेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है ये सब बता रखे हैं, आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पेन पेंसिल रबड़ सब लेकर जाना है, प्रोविजनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। आपके पास स्पेशली ये प्रोविडेड किया गया है, कोई भी मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक गजट वगैरह ये नहीं होने चाहिए। इस भर्ती का प्रोसीजर कैसे रहेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर आपका आपको 1600 मीटर दौड़ के लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा, 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, इसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड टाइमिंग होगा, 10 पुशअप लगाने होंगे, 10 सीटअप लगाने होंगे और 20 स्क्वैट्स उठक बैठक लगानी होंगी। उसके ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और ये जल्दी सारी कार्रवाई कुछ ही समय में पूरी कर ली जाएंगी जो दिए हुए टाइम के ऊपर। जो मेडिकल के अंदर आपकी हर चीज़ टेस्ट होगी भाई, TLC, DLC, आपकी बॉडी शुगर टेस्टिंग, एक्सरे, ब्लड, यूरिन, आपका सब कुछ चेक किया जाएगा मेडिकल के अंदर। और मेडिकल में कोई अनफिट हो जाता है तो उसको एक पॉइंट तुड़वाने का मौका दिया जाएगा, जो कि चंडीगढ़ इनका है, वो एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ 12 विंग, उसके अंदर आपको मेडिकल तुड़वाने का एक मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से ये भर्ती आप देख सकते हैं, जो कि ओपन रैली है एक्स ग्रुप वालों के लिए भारतीय वायुसेना की। तो दोस्तों, जो भी लड़के हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं, जिन्होंने ये भर्ती देखनी है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करना, दी हुई डेट पर एडमिट कार्ड लेना और भर्ती में जाना, फिजिकल मेडिकल और टेस्ट करना, जल्दी आपकी लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी और आपको ट्रेनिंग पर बुला लिया जाएगा। और ट्रेनिंग पर जाने के बाद में ये पूरा दे रखा है ट्रेनिंग का प्रोसीजर, कितना टर्नओवर होगा, 20 साल के लिए आपको भरवाया जाएगा टर्नओवर। उसके बाद आपको पे एंड अलाउंसेज स्टाइफंड के तौर पर 14,600 रुपये ट्रेनिंग में दिए जाएंगे। उसके बाद आप ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पूरी आपकी 33,100 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी बन जाएगी, और आपको हायर एजुकेशन भी परमिटेड है इसके अंदर करने के लिए। इस प्रकार से आपको सभी फैसिलिटियां लागू हो जाएंगी, आपकी 60 दिन एनुअल है, 30 दिन कैजुअल लीव लागू हो जाएगी, मेडिकल, CSD, कैंटीन फैसिलिटी सब। तो इस प्रकार से आप सभी एयरफोर्स में देश की रक्षा कर सकते हैं। ये आपका प्रोसीजर था, फिर भी किसी भाई को समझ में नहीं आया हो तो हमारे पास फ़ोन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।